क्या किसी संत को भी प्रेत छू सकता है? क्या किसी संत पर भी प्रेत सवार हो सकता है? जी हाँ, आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं, एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि सचमुच में किसी संत को क्या प्रेत आत्मा मिल सकता है या फिर प्रेत आत्मा उन पर सवार हो सकता है। जैसे हम आम जीवन में देखते हैं कि बहुत से लोग इसको लेकर त्रस्त रहते हैं कि उनके जीवन में ऐसी कुछ नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं, ऐसे कुछ प्रेत आ जाते हैं जिसके कारण से वो अत्यंत पीड़ा में रहते, अत्यंत कष्ट में रहते हैं। दरअसल उनका मानना ये होता है कि उनके जीवन में कोई नकारात्मक शक्ति आ गई है या फिर ऐसी प्रेत बाधा आ गई है जिसके कारण वो लगातार उनके जीवन में कष्ट बना हुआ रहता है। उनका कहना ये होता है कि उसी के कारण उनके जीवन में कष्ट है। परंतु आज की जो कहानी है वो बहुत ही रहस्यमय है कि आखिर एक संत से वो प्रेत आत्मा कैसे मिला, एक संत का प्रेत आत्मा ने पीछा क्यों किया, तो यही कहानी आज समझने का प्रयास करेंगे। आज की जो कहानी है वो कहानी है प्रेमानंद महाराज जी की, जिन्हें आमतौर पर पीले बाबा के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि वो बाल्यकाल से ही भक्ति में रम गए थे, बाल्यकाल से ही वो भजन करने लगे थे, बाल्यकाल से ही भगवान के भक्त बन गए थे। आजकल प्रेमानंद जो महाराज हैं वो आप देख रहे होंगे, इन दिनों उनकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं, उनके जो वीडियो हैं, बहुत से वीडियो उनके जो है इंटरनेट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं जिसमें वो प्रत्येक व्यक्ति के विषय में कुछ ना कुछ समाधान बताते हैं। जो भी व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है उसका वो समाधान बताते हैं, और पिछले कई वर्षों से लगातार वो ऐसे ही समाधान बता रहे हैं, जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि भक्तों के जीवन में बड़ा परिवर्तन भी आया है, जिसके कारण निरंतर लोग उनके दरबार में जाते हैं और निरंतर अपने जीवन से जुड़े कुछ ना कुछ प्रश्न करते हैं, और वो बड़ी ही सरलता से उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और उत्तर देने के बाद जब वो व्यक्ति अपने जीवन में उन परिवर्तनों को लाता है या फिर उनके द्वारा सुझाए गए परिवर्तन को करता है, तो उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि हम बात करें प्रेमानंद महाराज के विषय में, तो इनके विषय में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी लेनी होगी, क्योंकि वो जो प्रेत वाली घटना है वो इन्हीं के साथ घटी थी, इन्होंने स्वयं अपने मुख से वह कहानी बताई थी। तो कहा जाता है कि इनका बाल्यकाल का नाम जो था वो अनिरुद्ध कुमार था, बाल्यकाल में इसी नाम से ये जाने जाते थे। कहा जाता है कि कुछ समय विद्या अध्ययन करने के बाद इनके मन में सांसारिक सुख की जो कामना है वो समाप्त हो गई, और धीरे धीरे इनका रुझान जो है वो अध्यात्म की ओर होता चला गया। दरअसल इनका पूरा परिवार ही अध्यात्म की ओर प्रारंभ से ही उनका रुझान था, इनका पूरा परिवार ही भगवान का भक्त था, तो स्वाभाविक था कि ये बचपन से उसी वातावरण में जो है ये पले बढ़े, और जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती गई वैसे वैसे इनके भीतर की जो भक्ति है वो और सशक्त होती गई। इन्हें समझ में आने लगा था कि आखिर जीवन का सही उद्देश्य क्या है, जीवन किस लिए मिला है, तो ये धीरे धीरे उसी भक्ति मार्ग पर जो है निकलते चले गए। कहा जाता है कि 13 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और ये पूर्णतः सन्यासी बन गए थे। जैसे जैसे समय बीता, जब इनकी आयु 18 वर्ष की हुई तो ये सैमसी आश्रम पहुंचे। दरअसल यहाँ पर बालकों को वेद अध्ययन कराया जाता था, उपनिषद के विषय में ज्ञान दिया जाता था। तो प्रेमानंद महाराज जी जो थे वो यहीं पर जो है इसी आश्रम में गए और यहीं पर रह करके जो है वो लगातार अध्ययन करने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने यहाँ पर वेदा अध्ययन किया, कई वर्षों तक रहकर उन्होंने यहाँ पर जो है शास्त्रों का अध्ययन किया। इसी आश्रम में रहने के दौरान प्रेमानंद जी एक घटना बताते हैं। दरअसल एक बार की बात है, उन दिनों क्या हुआ करता था कि आश्रम में जितने बालक पढ़ते थे, जितने भी विद्यार्थी पढ़ते थे, वो शौच इत्यादि के लिए जो है वो आमतौर पर बाहर जाया करते थे। उस समय ये जो शौचालय इत्यादि की व्यवस्था थी वो नहीं हुआ करती थी, बहुत पुराने समय की बात है। तो प्रेमानंद जी बताते हैं कि वो प्रत्येक दिन अत्यंत भोर में उठ करके जो है नित्य क्रिया से निपट करके आ जाते थे। एक दिन की बात है कि प्रेमानंद जी जब अत्यंत भोर में उठकर नित्य क्रिया के लिए जा रहे थे, तो अब धीरे धीरे वो जो है खेतों की ओर बढ़ चले। तो जब वो खेतों की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहीं पर एक स्त्री खड़ी है, तो उन्हें लगा कि वो स्त्री भी संभवतः उसी कार्य के लिए आई है, परंतु उन्हें यह आभास नहीं हुआ कि यह कोई स्त्री नहीं अपितु एक प्रेत है। तो उन्होंने ये सोचा कि जब यह स्त्री आगे की ओर बढ़ जाएगी, जब यह स्त्री आगे चली जाएगी, तो मैं उसके ठीक विपरीत दिशा की ओर बढ़ चलूँगा। परंतु उन्हें यह अनुभव नहीं हुआ कि ये कोई प्रेत है, तो उन्हें लगा कि ये कोई सामान्य स्त्री है। बहुत देर तक उन्होंने प्रतीक्षा किया तो वो स्त्री वहाँ से नहीं गई, तो उन्होंने सोचा वह स्त्री वहीं पर रहेगी। उन्होंने क्या किया कि उस स्त्री के विपरीत दिशा की ओर बढ़ चले। कुछ दूर जाने के बाद वो देखते क्या है कि वही स्त्री जो अभी अभी उनसे कुछ देर पहले मिली है, जो उस रास्ते पर खड़ी थी, वो उनके ठीक आगे आगे चल रही है। ये सब देखकर प्रेमानंद जी को ऐसा लगा कि ये सब उनके मस्तिष्क का एक भ्रम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु कुछ देर बाद
फिर से वो जब आगे गए और उनके ठीक आगे वो स्त्री खड़ी हो गई, तब उन्हें पूरा विश्वास हो चला कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं अपितु प्रेत है। और यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वहां से घबरा करके भाग जाता, परंतु प्रेमानंद जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि ये स्त्री उनके आगे चल रही है और जब उन्हें ये विश्वास हो गया कि एक प्रेत है, तो उन्होंने क्या किया कि वो निरंतर भगवान नाम का जाप किया करते थे, निरंतर भगवान का भजन किया करते थे। तो उन्होंने जोर जोर से जो है भगवान के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ किया, ऐसे ही वो प्रेत वहां से अचानक से जो है आप कह सकते हैं अदृश्य हो गया। उसके बाद फिर वो कभी भी नहीं दिखा। तो देखिए भगवान नाम की कितनी महिमा थी, भगवान नाम में कितना शक्ति था कि एकमात्र उच्चारण से वह जो नकारात्मक ऊर्जा थी, या फिर यूं कहें कि वह जो प्रेत था, वो क्षण मात्र में वहां से अदृश्य हो गया। तो ये बाल्यकाल से ही निरंतर भजन किया करते थे। इनके विषय में कहते हैं कि अभी भी निरंतर भजन करते हैं और एक दिन भी अपना भजन कार्य नहीं छोड़ते हैं। इसी कड़ी में प्रेमानंद जी एक और घटना बताते हैं। दरअसल इनके आश्रम के पास ही एक खंडहर हुआ करता था। ये खंडहर बहुत ही पुराना था। कहते थे कि कई वर्षों से वहां पर कोई नहीं जाता था और वहां पर ऐसी घटनाएं प्रचलित थी कि वहां पर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई ना कोई प्रेत वहां पर अवश्य रहता है। तो प्रेमानंद जी ने क्या किया कि एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वो उस खंडहर में जाकर के रहेंगे और वहीं पर भगवान का चिंतन करेंगे, वहीं पर भगवान का भजन करेंगे। तो आश्रम में जो उनके साथ जो विद्यार्थी रहते थे, उन्होंने मना किया कि आप वहां पर मत जाइए क्योंकि वहां पर नकारात्मक शक्तियां हैं, वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। परंतु प्रेमानंद जी ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि प्रेमानंद जी को लगता था कि उनका भजन बहुत ही सशक्त है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती है। तो उस रात जो है उस खंडहर में चले गए। खंडहर में जाने के बाद कुछ देर तक उन्होंने भजन किया। भजन करने के बाद अब धीरे धीरे वो निद्रा की ओर जाने लगे। तो जैसे ही रात्रि के 12 बजे तो वो निद्रा में गए, उससे पहले वो भजन का कार्य कर रहे थे। तो प्रेमानंद जी बताते हैं कि जब वो निद्रा में गए, उनकी जटाएं जो थी वो बहुत ही बड़ी बड़ी हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही जटा को लपेटकर एक तकिया जैसा बना लिया और उसी पर निद्रा लेने लगे। जैसे ही उन्होंने कुछ देर तक निद्रा लिया तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उन्हें पीछे से कोई दबा रहा है। एक क्षण को उन्हें ऐसा लगा कि यह संभवतः उनके मस्तिष्क का एक भ्रम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई उनके मस्तिष्क को नहीं दबा रहा है। तो ऐसा सोचकर वो फिर से निद्रा में चले गए। जैसे ही कुछ देर उन्होंने फिर से निद्रा ली तो उन्हें फिर से अनुभव हुआ कि सचमुच में उनके सिर को, उनके मस्तिष्क को कोई तो दबा रहा है। इस बार उन्हें साक्षात अनुभव हुए, सच में उनके सिर को कोई दबा रहा है। तब उन्हें अनुभव हो गया कि यहां पर कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति अवश्य है, यहां पर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा अवश्य है। तो वो वहां से निकलकर सीधे आश्रम में पहुंचे और आश्रम में जाकर के उन्होंने सारी घटना बताई। तो उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा कि हमने तो आपको पहले ही कहा था कि वहां पर कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति अवश्य है, कोई ना कोई प्रेत अवश्य है, जिसके कारण वहां पर लोग नहीं जाते। वर्षों से वो खंडहर ऐसे ही है, वहां पर कोई भी जाने का साहस नहीं जुटा पाता क्योंकि यही कहानियां वहां पर प्रचलित है कि वहां पर जो है प्रेत है, वहां पर जो है कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है। तब प्रेमानंद जी को यह विश्वास हुआ कि सच में वहां पर कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई ना कोई प्रेत अवश्य है। इस बार भी उन्होंने वही युक्ति लगाई। लगातार वो उठ करके भजन करने लगे, भगवत नाम का उच्चारण करने लगे, जिसके कारण वो शक्ति उन पर हावी तो हुई परंतु वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। ये थी भजन की शक्ति, ये थी भगवत नाम की शक्ति, जिसके माध्यम से प्रेमानंद जी ने दोनों स्थानों पर जो दोनों घटनाएं उनके साथ हुई उसमें उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वो नकारात्मक शक्तियां जो थीं वो प्रेमानंद जी का कुछ भी नहीं कर सकी। तो आप इसी से देखिए कि भजन में कितनी बड़ी शक्ति है, परमात्मा के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। यदि हम उसका निरंतर जाप करें, निरंतर उच्चारण करें तो कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें भगवान नाम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। कहा भी गया है कि कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कहने का तात्पर्य है कि कलियुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से हमारे करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं और हम भगवत धाम चले जाते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। हम किसी प्रकार से भगवान का नाम लें, चाहे वह भजन के माध्यम से लें, चाहे वह कथा के माध्यम से लें, चाहे वह माला जाप के माध्यम से लें, तो किसी भी प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण होना चाहिए। किसी भी प्रकार से भगवान नाम उच्चारण होना चाहिए, यह आवश्यक है। चाहे कोई भी माध्यम हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, परंतु
भगवान का नाम लेना ये अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो प्रेत संत के पास गया क्यों था, तो इसको लेकर के हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है। कहते हैं कि एक समय में धुंधुकारी नामक एक बहुत ही पापी व्यक्ति था। कहते थे कि वो सभी प्रकार के पाप करता था। पाप करते करते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो वो सीधे प्रेत योनि में पहुंच गया। तो धुंधुकारी के एक भाई थे जिनका नाम गौकर्ण था। तो गौकर्ण बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे, बाल्यकाल से ही वो धर्म का पालन करते थे, भगवान का भजन करते थे। कहा जाता है कि जब धुंधुकारी की मृत्यु हुई तो वो प्रेत योनि में चला गया, और प्रेत योनि में जाने के बाद वो अपने भाई गौकर्ण के पास प्रेत योनि में आने लगा। जब वो उनके पास आता था तो अनेकानेक रूप बना करके आता था। कभी वह राक्षस बनकर आता था, कभी वह पशु बनकर के आता था। तो इस प्रकार से वो कई रूपों में गौकर्ण जी के पास आता था। गौकर्ण जी समझ गए कि ये मेरा छोटा भाई धुंधुकारी ही है, क्योंकि उसने बहुत सारे पाप किए जिसके कारण वो प्रेत योनि में चला गया। तो वो इसलिए गौकर्ण के पास जाता था ताकि उसका मोक्ष हो जाए। जब प्रेत किसी संत के पास जाते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वो किसी भी प्रकार से इस प्रेत योनि से छूट जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि संत के पास जाने के बाद ही कहीं ना कहीं उनकी मुक्ति हो सकती है, क्योंकि संत पवित्र आत्मा होते हैं और लगातार वो भगवान का भजन करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं। इसी कारण उनका आत्मा शुद्ध हो जाता है और वो भगवान से सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। इसीलिए प्रेत संतों के पास जाते हैं, वो उन्हें प्रभावित नहीं करते, परंतु वो इसी आशा से जाते हैं कि वो वहां जाकर के मुक्त हो जाए, तो संत के माध्यम से वो मुक्त हो जाए। तो आशा करता हूं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी और ये कहानी रोचक लगी होगी, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ने स्वयं अपने मुख से यह कहानी बताई थी कि उनके साथ कैसे ये भूत वाली घटना घटी थी, कैसे ये प्रेत वाली घटना घटी थी। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी, ये रोचक कथा सभी तक पहुंचे और सभी जान सके कि हमें क्या करना चाहिए जिसके माध्यम से जो है कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र। तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके समक्ष लाते रहते हैं। हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र। तब तक सेवा करते रहिए, भजन का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।